सिवान जिले की 10 बड़ी खबरें देखे फटाफट अंदाज में। सिवान शहर के शिवरथ सा छठ घाट पर शुक्रवार को रंगोली स्पर्धा का आयोजन किया गया। उसमें प्रतिभागियों ने एक से एक रंगोली बनाकर अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। अलग अलग विषयों पर रंगोली बनाई गई। किसी ने नारी संदर्भ पर तो किसी ने फूल की आकृति पर, किसी ने देवी की आकृति तो किसी ने भारत का नक्शा बनाया। दाहा नदी के तट पर बनी आकर्षक रंगोली को आगत अतिथि भी निहारते रहे। हसनपुरा MH थाना क्षेत्र व नगर पंचायत हसनपुरा के उत्तरी बुजुर्ग में शनिवार को 12:30 बजे ट्रैक्टर से कुचलकर एक 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक यूपी की बलिया जिले के रसरा निवासी अल्ताफ अली का 6 वर्षीय पुत्र आरिफ अली है। बीते 17 अक्टूबर को दिल्ली से अपने ननिहाल उत्तरी बुजुर्ग निवासी व नाना मजहर अली के घर आया था। घटना के वक्त तो उसने अपने नाना की दुकान के पास खेल रहा था, तभी ट्रैक्टर गुजर रहा था। इसी बीच दुकान से नीचे सड़क पर फिसल कर ट्रैक्टर के पीछे व चक्की की चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। इलाज के लिए परिजन निजी क्लिनिक ले जाते तब तक उसकी मौत हो गई थी। सिवान नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र पथ पर शुक्रवार की देर शाम सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान नौतन थाना क्षेत्र के नौतन बाजार निवासी रामचंद्र जायसवाल की पत्नी समी देवी के रूप में की गई। भगवानपुर हाट थाना की पुलिस ने शुक्रवार की रात बिलासपुर गांव में छापेमारी कर शराब तस्कर रजनीकांत के पिता प्रेमचंद्र सिंह को 50 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया तथा कार्रवाई के बाद शनिवार को जेल भेज दिया। प्रकाश पर्व दिवाली व लोक आस्था का महापर्व छठ को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर सदर अनुमंडल कार्यालय में SDPO सुनील कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान सदस्यों को सुझाव लेते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। SDO ने कहा कि दिवाली व छठ पर्व को शांतिपूर्ण व भयमुक्त माहौल से संपन्न कराना हम सभी का दायित्व है। शहरी क्षेत्र में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत क्षेत्र में EO व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को साफ सफाई की जिम्मेदारी देते हुए उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। ऑपरेशन अमानत के तहत RPF ने 81 का बैग बरामद कर उसे सुपुर्द कर दिया। मामले में RPF इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि प्राप्त सूचना पर गाड़ी संख्या 12554 के कोच संख्या S5 के बर्थ संख्या 46 पर यात्रा कर रहे यात्री देवरिया जिला के मंचगवा निवासी विनय यादव का पिट्ठू बैग उनके बर्थ उक्त पर देवरिया में उतरते समय छूट गया। उक्त गाड़ी के सिवान पहुंचने पर ड्यूटी में तैनात सिपाही आबिद अली द्वारा उक्त बैग को गाड़ी से उतरवाकर पोस्ट पर रखवा दिया गया। वहीं इसकी सूचना कंट्रोल को दे दी गई थी। शनिवार को उक्त यात्री विनय यादव के चचेरे भाई विवेक यादव पर उपस्थिति हुई तथा उनके अपने भाई के उक्त बैग को प्राप्त किया गया। RPF और GRPF के जंक्शन पर शनिवार को स्वान दस्ता की मदद से चेकिंग अभियान चलाया गया। मामले में RPF इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि आगामी दीपावली एवं छठ महापर्व के तरफ जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए RPF के व GRPF के ऑन ड्यूटी बल सदस्यों द्वारा स्वान दस्ता छपरा के साथ संयुक्त रूप से प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2, 3, 4, 5 पार्सल घर, सर्कुलेटिंग एरिया, टिकट घर सहित रेल परिसर में गहन निगरानी गश्त तथा चेकिंग की गई। सिवान शहर के अतरसुआ स्थित राजद कार्यालय में शनिवार को किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आलोक कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान जिलाध्यक्ष के प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर संगठन विस्तार पर जोर दिया। हसनपुरा मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारिणी के अनुसार अक्टूबर माह के चौथे शनिवार को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। बिहार के हर पंचायत में बनेगा खेल मैदान। सिवान के कुल 283 पंचायतों में 217 पंचायतों में खेल मैदान के लिए जमीन का हुआ चयन। 46 पंचायतों में जमीन की। बिहार न्यूज प्लस से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।